मिस्टर मिसेस साई के ब्लॉग में आपका स्वागत है। कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं मुंबई की जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ। आप लोग आ जाइए, जुड़ जाइए और मेरे चैनल को थोड़ा आगे तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करिए प्लीज़ गाइज प्लीज़। तो हुआ ऐसा कि तीन जनवरी 2014 को हम मुंबई शिफ्ट हो गए और एक रूम हमें मिला जिसमें 1 RK रूम था। 1 RK और हमारे पास एक मेरे पास एक बैग मेरा था और एक ब्लैंकेट। बस हम ये दो चीज़ ही लेके आए थे मुंबई। आते गए थे, फिर उसके बाद मेरे जो रिलेटिव थे उनके भी घर में नहीं मालूम था। मतलब मेरे वो रिलेशन में बहन लगती है, अपनी बहन नहीं कज़न। तो उसके बाद उनके घर में भी नहीं मालूम था कि हम आए हैं। तो हर कोई वो लोग भी अगेंस्ट जाते। तो उनका क्या था, उनके घर पे जो बॉयज थे ना वो रात में ड्यूटी जाते थे और सुबह घर पे रहते थे। तो हमारा था कि ना हमारे पास बर्तन थे, ना कुछ भी नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं, गैस वैस एक दिन में कहाँ से। हम सिर्फ ओनली फॉर एक घर का ही इंतजाम हो चुका था, बस ओनली फॉर घर का। फिर हम आए यहाँ पे, हमने 20,000 रुपये दिया एडवांस। यहाँ पे लेते हैं एडवांस, तो एडवांस हमने दिया। 1% हमने दलाली दिया, 1% मतलब 3,500 रुपये था, तो 2% दिया था, सॉरी 2% हमने दलाली दिया, 6,500 और 3,500 हमारा ये था, 2,000 एग्रीमेंट का लगा था। तो टोटल मिला के बहुत सारे हमारे पैसे खर्च हो गए थे। मतलब कि 20, 6, 10, 26 हम 30-40 हज़ार रुपये में हमारे आते के साथ, हमारे पैर रखते के साथ वो खत्म हो चुके थे। मुंबई में पैर रखा हमारे 30,000 रुपया फिनिश ऐसा हुआ था। तो फिर उसके बाद मतलब वो जो हम 20,000 रुपये देते वो जब हम घर छोड़ते हैं तो हमें वो वापस मिल जाता है। तो ऐसा था हमारे पास ना कोई, हम जॉबलेस थे ऐसा था। तो फिर उसके बाद वो ऐसा कि हम पहुंच तो गए, रात का टाइम था। तो मेरी जो मेरी एक चचेरी खाला, मैं आपको बता रही हूँ, चचेरी खाला उनकी मेरी मामी की बेटी, चलो मैं आपको बता देती हूँ, मुझे नहीं लगता उनको कोई प्रॉब्लम होगा। मेरी खुद की मामी की बेटी और मेरी खाला की, मेरी खाला चचेरी खाला, दोनों सास बहू है, ठीक है। तो वो लोग का घर और हमारा जो रेंट का घर हम सामने ही था, ज़्यादा पर 5 मिनट का रास्ता ऐसा चल के। तो वो बोलते थे दिन में तुम लोग इंतजाम कर लेना कहीं खाने का, रात में जब खालू जाएंगे तो फिर तुम यहाँ पे आ जाना खाने के लिए रात को, ऐसा था। तो दिन में हम जाते थे, एक होटल हमें दिखा दिया था वहाँ पे जाते थे। और उस समय पाव के साथ 10 रुपये का समोसा मिलता था और वड़ा पाव, ऐसा समोसा पाव वड़ा पाव। तो मैं ज़्यादा वड़ा पाव नहीं खाती थी, समोसा पाव भी नहीं खाती थी, समोसा और चटनी। तो हम पता है एक एक ही खाते थे, मतलब ऐसा भी नहीं था कि दो दो खाना, या मतलब थोड़ा मैनेज कर रहे थे ना इसके लिए। तो हम पूरा दिन ना एक समोसा में ही गुजारते थे पूरा दिन। हम जब जिस दिन शिफ्ट हुए तो आज भी याद है, वो पूरा रूम इतना कचरा था ना यार, पूरे बालू थे, पूरे वो पेंट वगैरह किया था, कुछ भी नहीं। हम रात के टाइम पहुँचे थे, उसी में हम ब्लैंकेट बिछाए थे और हम सो गए थे, ऐसा हमारा था। तो ये दूसरे दिन पे हम नहाए धोए फिर अच्छे से सब कुछ किया। फिर उसके बाद रात जब होता था तो मैं अपने खाला के घर जाती थी इनको लेके, फिर वहाँ हम खाना भर पेट खाते थे, भर पेट मतलब कैसा था हमारा। मैं हंस रही हूँ लेकिन अंदर से रियली में रो रही हूँ क्योंकि वो दिन मैं आज भी है। लेकिन कोई बात नहीं, छोटे से ही इंसान बड़े बनते हैं ना, तो हर चीज़ जीना चाहिए लाइफ में। एकदम से कुछ मिल जाए ना तो वो मज़ा कुछ नहीं है, फिर वो बताने के लिए भी कुछ नहीं है, तो और वो जीने में भी कुछ मज़ा नहीं है। तो छोटी छोटी चीज़ें जब ऊपर वाले देते हैं ना तो वो चीज़ सब्र का फल मीठा होता है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है अपने को। अपने को क्या, हर किसी को वो अच्छा लगेगा। और एकदम से मिलते हैं ना वो कहने पर छप्पड़ फाड़ के, लेकिन वो फिर कोई मतलब नहीं है। तो फिर उसके बाद हुआ ये कि ऐसे ही हमारा चलता था, मतलब 15 या 1 महीना तक ऐसे ही चला। फिर उसके बाद मेरी जहाँ खाला रहती थी वहाँ पे एक लेडी थी, तो वो घर में काम करती थी वो लेडी। तो उसके पास बहुत सारे बर्तन थे, उसको बड़े बड़े घर वाले लोग ना बर्तन दे के रखे थे, तो उन्होंने मुझे बर्तन दिया। बताया कि ऐसा ऐसा कंडीशन है, ये लोग लव मैरिज किए हैं, इनके पास कुछ नहीं है। तो मैं दूसरे के बर्तन, मतलब एक टप, दो टप
और मुझे बर्तन पूरे सेट, हाँ पूरे बर्तन का सेट, दूसरे का जूठा बर्तन मतलब बोलो तो, लेकिन हाँ उस बर्तन में मैंने बहुत टाइम तक यूज़ मैंने किया, बहुत टाइम तक, झूठ नहीं बोलूँगा, कोई बात नहीं ना, जूठे मतलब मैंने सब, मतलब वो साफ़ था, मतलब कि दूसरे का बर्तन यूज़ किया, वो बर्तन मैंने यूज़ किया, ऐसा मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो बर्तन का इंतजाम हो गया, फिर पंखे वगैरह ले लिया, फिर मेरे पास थे बैलेंस, तो एक पलंग मैंने लिया था, लोहे का पलंग, क्योंकि मुझे नीचे सोने की आदत नहीं थी, और एक कंबल था, तो हम बहुत ज़्यादा ये होता था गर्मी, मुंबई में तो वहाँ लगता था ठंड है, लेकिन यहाँ गर्मी, कंबल में कैसे इंसान सो। तो उस समय दिमाग में नहीं आया, तो मैंने 15,000 रुपये का एक लोहे का पलंग लिया था, सोफ़ा पलंग होता है ना वो टाइप का मैंने पलंग लिया, और फिर बर्तन का इंतजाम, फिर उसके बाद गैस सिलेंडर जो होता है ना 2 लीटर का, मैंने जब बर्तन हो गया तो मैं बोली चालू कर के लिए कितना दूसरे के घर जाके खाऊं और पूरा दिन भर समोसा, तो मैं बोली सबसे पहले तो किचन का ही चीज़ लेना है, तो बर्तन का इंतजाम तो हो चुका था, और कुछ नहीं था तो थोड़ा मोड़ा मैंने ले लिया, जैसे तवा वगैरह नहीं था तो वो सब मेरे को लेना पड़ा, और 2 लीटर का कि 5 लीटर का एक गैस आता है ना एक मुँह वाला, तो वो मैंने लिया। अब मैंने ले तो लिया, लेकिन मुझे खाना नहीं बनाने आता था, सिंपल की बात है। तो फिर उसमें कुकर में चावल मैंने फर्स्ट टाइम मैं अपनी मामी की बेटी को देखती थी कि कैसे वो बनाती हैं, यहाँ पे मुंबई में कैसे पुलाव जैसा बना देना राइस, लेकिन वो एक मुँह का चूल्हा था ना, उसमें बहुत वो यादें ना बहुत मुझे आज याद आती है, आज कितना भी सब कुछ फैसिलिटी, लेकिन उस टाइम का जो प्यार था ना हमारे में, आज भी है मतलब वो नहीं बोल रही, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम, क्योंकि हमारे पास काम तो होते नहीं थे, हम दोनों एक ही 1 आर के था, एक किचन और रूम बाथरूम ये सब, लेकिन फिर भी बिल्डिंग में था, ऐसा भी नहीं झोपड़पट्टी वगैरह में मैंने नहीं लिया है, मैंने बिल्डिंग में ही लिया था, तो वहाँ मैंने 7 साल गुजारा वहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम एक ही रूम में, मतलब किचन का कभी यूज़ ही नहीं करते थे, एक ही रूम में खाना वाना बना लेते थे, सिर्फ किचन में जाती थी बर्तन सर्तन धोने के लिए, बस ओनली फॉर बर्तन सर्तन धोने। उसके बाद खाना वाना वही पुलाव बना बना के इनको देती थी, रोटी मुझे आता ही नहीं था यार बनाने को, गले मैंने उसको पुलाव पुलाव बना कर मैं देती थी। तो फिर उसके बाद ऐसे ही चलता रहा बहुत ज़्यादा, फिर हम लोग 1 महीना हो गया, तो फिर उन लोग जॉब वगैरह का सोचने लगे, टोटल चीज़ की कैसे जॉब वगैरह करे क्या करे, और कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, मतलब कि पैसा भी जो था बैंक बैलेंस वो भी ख़त्म होने वाला था, तो जॉब हम ढूंढ ही रहे थे, तो फिर एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने पे एक जॉब मिला, मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी ये जॉब के बारे में, लेकिन अभी आप मेरी बात पहले क्लियर कर लेती हूँ। पूरी जनवरी हम ना एक समोसा और दूसरे उनके घर पे खाना खाया, यही था हमारा स्टोरी में ये मुंबई आने के बाद, और सिर्फ मेरे पास एक ब्लैंकेट और एक ये था, तो जो शादी से शादी करने के बाद जो बाकी करते हैं ना, मतलब ऐसा, तो उस टाइम हमारा ऐसा था, मतलब बैलेंस तक हम बढ़ाते थे ना, वो बहुत सोच समझ के ऐसा यूज़ करना, ये क्या क्या, तो ऐसा था, घूमते फिरते थे, लेकिन वो चीज़ ना बहुत अच्छा लगता था, मतलब सुबह से हम लोग कैसे घूमते फिर वो टाइम ना, मतलब मैं जहाँ रहती हूँ ना वहाँ मुंबई का हर एक गली मेरे हस्बैंड ने मुझे घुमाया था, हर एक गली, दिन भर क्या करते ना टीवी ना टावा कुछ नहीं, उस समय इंटरनेट तो बहुत हाई फाई था यार, उस टाइम तो यूट्यूब नहीं चला सकते, अभी हुआ है ना पूरा अनलिमिटेड, उस टाइम तो नहीं था, तो हम पूरा घूमते थे, शाम को जो निकलते थे ना हम पूरा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के जैसा, मतलब ऐसा लग रहा था हनीमून के लिए आए ऐसा तो पूरा से घूमते फिरना यही सब करते थे। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी हमारा फर्स्ट जॉब, तब तक के लिए बाय बाय, चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब करें।